हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाय डियर फ्रेंड्स, मैं आज इस वीडियो पर आप लोगों को सीएससी सेंटर के बारे में आज बताएंगे। सीएससी सेंटर एप्लीकेशन ट्रैक स्टेटस करके उसके बाद आपको आपका सीएससी आईडी मिल जाता है। मिल जाने के बाद आपका डिजीमेल पासवर्ड और आईडी नहीं है, तब भी आप लोग सीएससी आईडी को आप लोग पासवर्ड क्रिएट कर पाएंगे और लॉग इन कर पाएंगे और आप लोग काम स्टार्ट कर पाएंगे मेरे इसी वीडियो को देखने के बाद। ओके डियर फ्रेंड्स, इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक देखते रहना है और चैनल पर यदि आप लोग न्यू भी आ रहे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ऑप्शन को टिक कर लेना है ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और मेरी वीडियो को आप लोग सबसे पहले देख सके। इसीलिए आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ऑप्शन को जरूर टिक कर लीजिए। ओके डियर फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं ज्यादा बकबक ना करते हुए। हेलो डियर फ्रेंड्स, आप लोग सबसे पहले अपना जो पीएलए रजिस्ट्रेशन एक्नॉलेजमेंट कॉपी का जो आप लोग के पास मेल आया था उस मेल को आप लोग ओपन कर लीजिए। ओपन कर लेने के बाद आपको क्या करना होगा अभी मैं आप लोग को बताएंगे। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले अपना वो मेल को ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद जो रेफरेंस नंबर आपको मिला है ना, उस रेफरेंस नंबर को आपको कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद थोड़ा नीचे आप लोग देखिए, यहाँ पर टू नो द स्टेटस ऑफ योर एप्लीकेशन को यहाँ पर क्लिक कर लेना है। स्टेटस क्लिक करने के बाद क्या निकल के आ जाएंगे वो मैं बताएंगे। चलिए अभी इसको क्लिक कर लेते हैं। क्लिक कर लेने के बाद क्या निकल के आता है वो मैं बताएंगे आप लोग। ओके फ्रेंड्स, चैनल पर यदि आप लोग न्यू भी आ रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस किया ऑप्शन को जरूर टिक कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ओके फ्रेंड्स, चलिए अभी इसको क्लिक कर लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर क्लिक कर लिया हूँ। ओके फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर क्या निकल के आ चुका है। देखिए यहाँ पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना ही चुका हूँ लेकिन फिर भी आप लोगों को यहाँ पर बिना डीजी मेल और पासवर्ड के बिना ही आप लोग यहाँ पर आप लोग cccdigitalseva.gov.in पर आप लोग लॉगिन कर पाएंगे। वो कैसे लॉगिन कर पाएंगे आज मैं इस वीडियो पर बताएंगे। इसीलिए आप लोग सबसे पहले इस रोल को आप लोग फॉलो करना होगा जो मैं वीडियो में आप लोगों को दिखा रहा हूँ, वो आप लोग को अंतर देखना होगा तभी आप लोग मालूम होंगे कि आप लोग में कैसा टिप्स और ट्रिक्स आप लोग को दिखाने जा रहा हूँ, वो आपको कम्प्लीटली मालूम हो जाएंगे। देखिए सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखिए सेट एप्लीकेशन स्टेटस। आपको यहाँ पर जो आपका ईमेल आईडी पर अप्लाई करने के टाइम जो आप लोग एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर मिला था उस रेफरेंस नंबर को आप लोग यहाँ पर एंटर कर लीजिए। एंटर करने के बाद ऑलरेडी आपका एप्लीकेशन अप्रूव हो चुका है तो आपका सीएससी आईडी वहाँ पर निकल के आ जाएंगे और उसी से ही आप लोग यहाँ पर लॉगिन कर पाएंगे और उसके बाद आप लोग पासवर्ड कैसे क्रिएट कर लेंगे वो भी मैं आज इस वीडियो पर बताएंगे। डियर फ्रेंड्स, जल्दी से एक लाइक कर दीजिए और वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए कि दूसरे को भी हेल्प सके इस वीडियो से। चलिए मैं अभी यहाँ पर फटाफट से मैं रेफरेंस नंबर डाल के और इस कैप्सा को यहाँ पर एंटर करके मैं सबमिट करके आपको सीएससी आईडी लेके भी दिखाएंगे। ओके डियर फ्रेंड्स, और कैसे आप लोग उस सीएससी आईडी को मिलने के बाद आप कैसे पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे वो भी आप लोगों को मैं कम्प्लीटली इस वीडियो पर बताएंगे। ओके डियर फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक देखना है आप लोग से। चलिए अभी आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। देखिए डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरे रेफरेंस नंबर और कैप्सा भी डाल चुका हूँ। अभी मैं इसको सबमिट कर लेंगे। सबमिट करने के बाद तुरंत ही आप लोगों के सामने ये मेरी एप्लीकेशन ऑलरेडी अप्रूव हो चुका है। देखिए यहाँ पर मेरा डिटेल्स यहाँ पर आ चुका है। मैं सिक्योरिटी पर्पज आप लोगों को मेरी सीएससी आईडी भी आप लोगों को नहीं दिखा पाऊंगी और मेरा नाम जिसके नाम पर मैंने अप्लाई किया था उसका भी नाम मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाऊंगी। यहाँ पर देखिए सीएससी आईडी ऑलरेडी यहाँ पर जनरेट हो चुका है। देखिए आप लोग ध्यान से देखिए यहाँ पर, लेकिन आप लोगों को मैं सीएससी नहीं दिखाऊंगी। देखिए इस योर सीएससी आईडी देखिए ये क्रिएट हो चुका है। अभी आपको क्या करना होगा वो मैं बताएंगे आप लोग। ओके डियर फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक देखते रहना है आप लोग और वीडियो को शेयर करना है ताकि दूसरों को भी हेल्प सके और इस वीडियो को लाइक करना है और चैनल पर यदि आप लोग न्यू हो रहे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ऑप्शन को जरूर टिक कर लीजिए ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और मेरे वीडियो को आप लोग देख सके। इसलिए ओके डियर फ्रेंड्स, चलिए। हेलो डियर फ्रेंड्स, आप लोग टैग स्टेटस करने के बाद आपके सामने ये पेज अब लॉगिन पेज आपको ओपन कर लेना होगा। लॉगिन पेज यहाँ पर देखिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पर मेरे सीएससी आईडी नंबर यहाँ पर एंटर कर चुका हूँ। देखिए ये और इस पेज का लिंक मैंने लॉगिन पेज का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देके रखूंगा। यहाँ पर देखिए आप लोगों को ऊपर यहाँ पर आपको कैप्सा डालना होगा। यहाँ पर देखिए फिंगरप्रिंट मैंने यह कर रखा हुआ। फिंगरप्रिंट की डिवाइस के भी आप लोग जरूर। हेलो डियर फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पर लॉगिन करने के बाद अपना फिंगरप्रिंट डिवाइस से यहाँ पर लॉगिन करने के बाद ये पेज लोग के सामने ओपन हो जाएंगे। देखिए आप लोग यहाँ पर केवाईसी अपडेट से लेकर आईडी कार्ड सर्टिफिकेट सब कुछ है लेकिन अभी मैं आप लोग को यहाँ पर पासवर्ड सेट करके दिखाएंगे। देखिए अकाउंट सेटिंग्स पर आप लोग जाना होगा। अपडेट पासवर्ड देखिए डीजी मेल पासवर्ड अभी हमको क्रिएट करना है। डीजी मेल आईडी मेरे को क्रिएट हुआ ही नहीं है लेकिन अभी हमको क्या करना होगा कनेक्ट पासवर्ड हमको क्रिएट करना है तभी हम लोग
अभी डिजिटल सेवा गुप डॉट इन पर हम लोग लॉग इन कर पाएंगे। देखिए डो यू नो ऑल पासवर्ड, अभी क्या करना होगा, इसको नो कर लेना है, ऑलरेडी मेरे को वो पासवर्ड मालूम नहीं है। अभी देखिए यहाँ पर सिलेक्ट मोड ऑफ रिसीव ओटीपी पर, जो आप रजिस्टर करते टाइम आपको जो मोबाइल नंबर दिया था उसी मोबाइल नंबर पर आपका यहाँ पर ओटीपी आ जाएंगे, उस ओटीपी को अभी यहाँ पर एंटर कर लेना होगा। देखिए आप उसके बाद उस ओटीपी ऑलरेडी मेरे मोबाइल पर ओटीपी आ चुका है, अभी यहाँ पर मैं मेरी मोबाइल पर जो ओटीपी आया था उसको भी अभी यहाँ पर एंटर कर लेंगे। एंटर करने देखिए अभी इसको मैं वैलिडेट कर लिया हूँ। वैलिडेट करने के बाद देखिए यहाँ पर न्यू पासवर्ड और कॉन्फर्म न्यू पासवर्ड दोनों दो, मैं ऑलरेडी ये पासवर्ड में यहाँ पर क्रिएट कर लिया हूँ, उस पासवर्ड को यहाँ पर मैं एंटर कर लेंगे। देखिए एंटर कर लिया हूँ और फिर से यहाँ पर जो मैंने ऊपर पासवर्ड डाला था वही पासवर्ड में कॉन्फर्म पासवर्ड भी डाल लिया हूँ। इसके बाद अपडेट कनेक्ट पासवर्ड मैंने क्लिक कर दिया हूँ। देखिए ऑलरेडी ये सब कुछ सक्सेसफुली हो चुका है। ओके डियर फ्रेंड्स, उसके बाद इसको आप लोग कैसे फर्स्ट टाइम आप लोग लॉगिन करेंगे वो दिखाएंगे। ओके डियर फ्रेंड्स, के बाद आपको जाना होगा आपका गूगल सर्च इंजिन पर, यहाँ पर लिख लीजिए सी एस सी। लिखने के बाद आपके सामने कौन सा पेज निकलेंगे आप लोग देखिए, यहाँ पर देखिए ये पेज निकल के आ जाएंगे। आपको अभी क्या क्लिक करना होगा, सी एस सी लॉगिन पर आप लोग क्लिक कर लीजिए। देखिए मैंने यहाँ पर क्लिक कर लिया हूँ। क्लिक करने के बाद आप लोग सामने ये लॉगिन करने का जो पेज है वो पेज आप लोग सामने ओपन हो जाएंगे। देखिए ओपन हो चुका है। यहाँ भी मैं यहाँ पर मेरे सी एस सी आई डी यहाँ पर एंटर कर लेंगे। मैंने जिस सी एस सी का मैंने अभी अभी मैंने पासवर्ड क्रिएट किया वही का ही मैं यहाँ पर सी एस सी आई डी डाल रहा हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर वो एक पासवर्ड मैंने टाइप करके रखा था, इसी पासवर्ड को मैं अभी वहाँ पर एंटर कर लेंगे। ओके डिफरेंस, ऐसे ही आप लोग भी टाइप करते रखना है और इसको वहाँ पर एंटर कर लेना है और इसको अच्छी तरह से आप लोग सेव ही कर लेना है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम यही वही आप लोग लॉग इन कर पाएंगे। चलिए अभी मैं इसको कॉपी कर लिया हूँ, कॉपी करके अभी यहाँ पर मैं डाल लिया हूँ। देखिए उसके बाद रिमेम्बर मी कर लिया हूँ, उसके बाद मैं अभी लॉग इन करने जा रहा हूँ। देखिए इसको अभी ऑथराइज कर लेना होगा, डू यू ऑथराइज डिजिटल सेवा, यस कर लेना होगा, तभी इसको आपको ऑथराइज दे देना होगा, तभी आप लोग यहाँ पर लॉग इन कर पाएंगे। चलिए अभी लॉग इन कर लेते हैं। देखिए लॉग इन करने के बाद आप लोग सामने ये पेज और डैशबोर्ड भी यहाँ पर शो हो जाएंगे आप लोगों के सामने। थोड़ा टाइम वेट कर लीजिए। चैनल पर यदि आप लोग न्यू भी आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर ऑप्शन को जरूर टिक कर लीजिए। देखिए यहाँ पर की डाटा अपडेट एंड शॉर्ट सर्वे, यहाँ पर वो पेज ओपन हो चुका है। जो आप लोग फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे तो ये पेज निकल कर। ओके डियर फ्रेंड्स, अभी यहाँ पर आपका डाटा सब कुछ यहाँ पर सही है कि नहीं वो अपडेट कर लेना होगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको क्यूज एड्रेस को आपको यहाँ पर सब कुछ अच्छी तरह से देख के यहाँ पर फिलअप कर लेना होगा। चलिए अभी मैं फटाफट से ये सब मैं फिलअप कर लेंगे, सारा सब कुछ डिटेल्स आपको मैं नहीं दिखा पाऊंगी सिक्योरिटी पर्पस। ओके डियर फ्रेंड्स, ले भी मैं इसको फटाफट से कंप्लीट करके और शॉर्ट सर्वे को भी मैं कंप्लीट करके, लेकिन आपको शॉर्ट सर्वे को ध्यान से कर लेना होगा, पास क्या क्या डिवाइस अवेलेबल है और आपका जहां पर आपका सीएससी सेंटर है वहां पर क्या क्या सुविधा है वो सब कुछ आपको सारा डिटेल्स सही सही तरीके से आपको डालना होगा, नहीं तो आपका सीएससी सेंटर बंद हो सकता है, इसलिए आपको ध्यान से देख के डालना है। ओके यार फ्रेंड्स, चलिए ऐसे में सबको सभी में फटाफट से फिलअप कर लेंगे। तो फर्स्ट टाइम आप लॉग इन करेंगे ना वो ये डेटा अपडेट एंड शॉर्ट सर्वे को आपको करना ही हो, नहीं करने से आपको यहाँ पर आप लोग काम कर नहीं पाएंगे। ओके यार फ्रेंड्स, सब कुछ आपका सही डिटेल्स डालना है, कुछ भी गलत डिटेल्स डालेंगे तो आपका सीएससी सेंटर बंद हो सकता है। ओके डियर फ्रेंड्स, चलिए इसको मैं कंप्लीट कर लेंगे। अभी यहाँ पर अपना पिन कोड से लेकर पीएस पीओ डिस्ट्रिक्ट सब डिस्ट्रिक्ट सब कुछ डिटेल्स में डालना है, वो आपका क्यूएस एड्रेस भी सब कुछ सही सही डालना है। ओके डियर फ्रेंड्स, क्यूएस लोकेशन को आपको अच्छी तरह से डालना है, वहाँ पर आपका विलेज या टाउन पोस्ट ऑफिस पीएस डिस्ट्रिक्ट स्टेट पिन कोड नंबर अच्छी तरह से डालना है, क्योंकि आपका डिस्ट्रिक्ट मैनेजर आपको विजिट करेंगे। देखिए यहाँ पर मैं अभी शॉर्ट सर्वे को कंप्लीट कर लेंगे, इसलिए आप लोग को सारा डिटेल्स सब कुछ सही सही डालना है। यहाँ पर देखिए शॉर्ट सर्वे पर आपका जो भी सर्विस अवेलेबल है आपके पास वही डालना है, कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन मत डालिए। मैं अभी इस शॉर्ट सर्वे को कम्प्लीट कर लेंगे फटाफट से। फ्रेंड्स, चैनल पर न्यू भी आ रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे मजेदार टिप्स एंड ट्रिक्स टेक्नोलॉजी रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड, न्यूज रिलेटेड सारा सब कुछ वीडियो में यहाँ पर डालता रहता है, आपके लिए ये चैनल काम आ सकता है, इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करके ऑप्शन को जरूर टिक कर लीजिए, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और मेरे वीडियो को आप लोग देख सके और इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी हेल्प हो सके इस वीडियो से। ओके डिफरेंट, देखिए मैंने शॉर्ट सर्वे कंप्लीट कर लिया हूँ। कंप्लीट करने के बाद आपके सामने फर्स्ट टाइम मैंने अभी मैंने आप लोग के सामने में किया था पासवर्ड क्रिएट से लेके और सारा शॉर्ट सर्वे से लेके क्यूएक्स अपडेट सब कुछ मैं आप लोग के सामने ही कर लिया हूँ। उसके बाद अभी मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पर मैं क्या कर लेंगे, एडेड मनी कर लेंगे। मैं 500 रुपीज में फर्स्ट टाइम यहाँ पर मैं मनी एडेड कर लेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर काम करना है, मैं खास इसी काम के लिए लिया हूँ इस सर्विस को। बर्थ सर्टिफिकेट
से लेकर एनपीएस, पैन कार्ड, सब कुछ यहाँ पर आप लोग काम कर पाएंगे, सरकारी बेसरकारी सब कुछ काम यहाँ पर आप लोग कर पाएंगे। चलिए अभी यहाँ पर देखिए सामारी पर मैं क्लिक करने जा रहा हूँ, वॉलेट सामारी पर। वॉलेट सामारी पर देखिए यहाँ पर कुछ भी अभी यहाँ पर मानी नहीं है, मैं फर्स्ट टाइम लॉग इन करने जा रहा हूँ इसीलिए यहाँ पर कोई भी मानी नहीं है। अभी मैं एडेड मानी टू योर वॉलेट पर अभी मैं क्लिक करके यहाँ पर मानी एडेड कर लेंगे। ओके डिफरेंस, चलिए यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करके आप लोगों को यहाँ पर मनी एडिट करके भी दिखाएंगे आप लोगों को। देखिए फिर यहाँ पर आ चुका है एडिट मनी का पेज, यहाँ पर एडिट मनी टू योर वॉल टू वॉलेट पर अभी क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोग के सामने ये पेज निकल के आएंगे। देखिए जो पेमेंट गेट वे वाला पेज यहाँ पर निकल के आएंगे आपको, पे पेज रिडायरेक्ट टू सीएससी वॉलेट पर आ चुका है। देखिए यहाँ पर आपका अभी कितना मनी आप लोग एडिट कर लेंगे वो यहाँ पर आप लोग एंटर कर लीजिए। ऑलरेडी यहाँ पर यूजर नेम और आईडी यहाँ पर सारा सब कुछ डिटेल्स यहाँ पर आ ही चुका है, तो वो सब इंटर कराना है आपको। कितना मनी यहाँ पर एडिट करेंगे वो लिखना है और उसके बाद पेमेंट गेटवे आपको सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ पर सीसीए विनियोग कर रहा हूँ, यहाँ पर बहुत सारा पेमेंट गेटवे है। देखिए दो है और साथ क्रॉस ने किया था, पे यू मनी भी है। यहाँ पर मैं वॉलेट अपडेट ऐसे लिखेंगे रिमार्क्स पर, उसके बाद मैं सबमिट कर लेंगे। देखिए अभी मैं वो वॉलेट अपडेट लिख चुका हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर सबमिट बटन को अभी क्लिक कर लेंगे। देखिए मैंने सबमिट बटन को क्लिक कर लिया हूँ। क्लिक करने के बाद रिडायरेक्ट हो जाएंगे पेमेंट गेटवे का पेज यहाँ पर। देखिए पेमेंट गेटवे पर यहाँ पर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग का फैसिलिटी अवेलेबल है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर मैं अभी डेबिट कार्ड से ये कर लेंगे। हेलो डियर फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर आप लोग क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से भी आप लोग यहाँ पर मनी एडिट कर पाएंगे। देखिए मैं चलिए भी यहाँ पर मैं अपना डेबिट कार्ड से मैं यहाँ पर मनी एडिट कर लेंगे। देखिए यहाँ पर मैं सब कुछ यहाँ पर अपना आईडी कार्ड का डिटेल्स यहाँ पर डाल लीजिए। डालने के बाद आपको नेक्स्ट पेमेंट कर लीजिए। देखिए अभी पेमेंट होना शुरू हो रहा है। देखिए अभी अपना मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएंगे, उस ओटीपी का भी यहाँ पर एंटर कर लेना होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर मेक पेमेंट पर आप लोग को क्लिक कर देना होगा। देखिए मैंने यहाँ पर क्लिक कर चुका हूँ। अभी अपने आप अपना वो पेमेंट सक्सेसफुल, देखिए पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद अपना सीएससी डैशबोर्ड आपका ये रिडायरेक्ट हो जाएंगे। देखिए अभी लॉग आउट कर लेना होगा और फिर से आपको यहाँ पर लॉग इन कर लेना होगा। उसके बाद आपको मैं बुकिंग करके आपका वो मनी एडिट हुआ कि नहीं हुआ वो भी आपको दिखाएंगे। ओके डियर फ्रेंड्स, ऐसे ही आप लोग यहाँ पर बिना जीजी मेल या पासवर्ड से भी आप लोग यहाँ पर ऐसे ही अपना पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर मेरी पैन कार्ड सर्विस का भी ये आ चुका है। नेक्स्ट टाइम आपको वीडियो में आप लोग को दिखाएंगे यहाँ पर। देखिए आपको यहाँ पर अभी वीएलई यूजर तो क्लिक हियर पर आप लोग क्लिक कर लेना होगा। देखिए इसको भी आपको परमिशन दे देना होगा। डू यू ऑथराइज यूटी आईटीसीएल पेन सर्विस, यूटीआई पेन सर्विस से इसको आपको यस कर देना। यस कर देने के बाद यहाँ पर आपको अपना प्रोफाइल को आपको कंप्लीट कर लेना होगा। देखिए इन्फॉर्मेशन, काइंडली अपडेट योर प्रोफाइल, यहाँ पर आपको अपना सारा सब कुछ डिटेल्स यहाँ पर आपको अपडेट कर लेना होगा, तभी आप लोग यहाँ पर काम शुरू कर पाएंगे, नहीं तो आप लोग काम कर शुरू कर नहीं पाएंगे। देखिए सी सी आई डी और सब तो यहाँ पर अपने आप लिख के आ जाएंगे, लेकिन आपको यहाँ पर अभी सब कुछ यहाँ पर डिटेल्स आपको अपडेट कर लेना होगा, उसके बाद ही आप लोग यहाँ पर काम कर पाएंगे। ओके डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट टाइम ये सब आप लोग फिलअप करके मैं सारा कंप्लीट करके मैं दिखाएंगे, लेकिन आज आप लोगों को मैं ये सब नहीं दिखाएंगे। आज सिर्फ आप लोगों को मैं ये दिखाया था कि आप लोग बिना पासवर्ड से भी आप लोग अपना सीएससी क्रिएट हो जाने के बाद आप लोग कैसे अपना पासवर्ड क्रिएट कर पाएंगे वो दिखाया हूँ। आप लोग को सिर्फ ये इस सर्विस को एक्टिवेट करने के लिए आपको फिंगरप्रिंट डिवाइस की बहुत ही जरूरी होती है। वो फिंगरप्रिंट डिवाइस से लॉग इन करने के बाद आप यहाँ पर अपना पासवर्ड को खुद क्रिएट कर ले पाएंगे। वहाँ पर मेल आने का कुछ इंतजार करने का नहीं है। ओके डियर फ्रेंड्स, ऐसे ही यहाँ पर अपना सी सी आई डी का पासवर्ड क्रिएट कर पाएंगे और नेक्स्ट टाइम भी आप लोग ऐसे ही चेंज कर पाएंगे। ओके डियर फ्रेंड्स, सिर्फ आपको फिंगरप्रिंट डिवाइस की जरूरत होती है।
सर्विसेज क्या क्या सर्विसेज अवेलेबल है यहाँ पर, सब कुछ आप सर्विसेज क्लिक करके आप लोग सर्च करके वो सब कर पाएंगे। यहाँ पर आप लोग बर्थ सर्टिफिकेट से लेकर एनपीएस तक आप लोग सब कुछ काम यहाँ पर कर पाएंगे, सरकारी बेसरकारी काम भी यहाँ पर अवेलेबल है। ओके डियर फ्रेंड्स, चलिए अभी मैं आपको माय प्रोफाइल पर क्लिक करके भी दिखाता हूँ कि यहाँ पर क्या क्या डिटेल्स अपडेट हो चुका है मेरी। मैं सब कुछ तो डिटेल्स अपडेट किया ही नहीं, अभी अभी आप लोग के सामने मैं इसको पासवर्ड क्रिएट करके और लॉगिन करके दिखाया हूँ। ओके डियर फ्रेंड्स, देखिए यूटिलिटी सर्विस भी अवेलेबल है यहाँ पर, मैं उसको वहाँ पर क्लिक करके दिखाता हूँ आप लोग को। देखिए गैस एलपीजी गैस का बिल पेमेंट भी यहाँ पर आप लोग तय कर पाएंगे यहाँ से। चलिए अभी आप लोग को मैं दिखाता हूँ, मैं जो वॉलेट पर आप अभी मैंने एडिट किया था ना मान 500 रुपीज, वो भी अभी आप लोगों को मैं दिखाएंगे। भारत बिल पेमेंट सर्विस वो भी अवेलेबल है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर टॉपअप पर 500 शो हो रहा है, ये सक्सेसफुल हो चुका है कि माय प्रोफाइल पर अभी मैं क्लिक करने जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ से लेकर अपना सारा सब कुछ डिटेल्स यहाँ पर है। देखिए डिजीमेल में तो देखिए आप लोग वहाँ पर मेरे डिजीमेल आईडी अभी तक क्रिएट नहीं हो रहा है, लेकिन मैं अभी इसको लॉगिन कर लिया हूँ। डिजीमेल होना जरूरी है क्योंकि वो डिजीमेल पर सीएससी का जो भी अपडेट है वहाँ पर आपका डिजीमेल पर आएंगे सारा डिटेल्स, इसलिए डिजीमेल की बोल रही। डिजीमेल आप लोग कैसे क्रिएट कर लेंगे और कैसे आप लोग इसको तुरंत पाएंगे आपका डिजीमेल आईडी और पासवर्ड, वो भी आप लोग मैं नेक्स्ट वीडियो पर एक वीडियो बना के दिखाएंगे। आप लोग कमेंट करके मुझे पूछिए, तब मैं उस वीडियो को बनाएंगे। ओके डियर फ्रेंड्स, हेलो डियर फ्रेंड्स, ये वीडियो आप लोग कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएगा। ऐसे मजेदार टॉपिक मेरे इसी चैनल पर डालता रहता हूँ, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेगा और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके जरूर रखना है ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ओके डियर फ्रेंड्स, आज का यही समाप्त करने जा रहा हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।